सर एक चीज बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता था। हाँ ये जी बच्चों सर। को लॉक में बहुत तकलीफ होती है। हाँ ये तो है, थोड़ा लॉक टेबल मिलती नहीं है, मिलती नहीं, तो हम लॉक के ऊपर कुछ इन्हें बता सकते हैं क्या? और इन्हें सर थोड़ा ये भी समझा दीजिए, 2.001 को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको थोड़ी ना करना, उसे दो ही करो, उसे दो ही करना है। तो इन्हें बता दीजिए जब लॉग टेबल कैलकुलेटर नहीं है ना तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करें, कैसे करें, तो थोड़ा लॉग पढ़ा दीजिए सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चों लॉग पढ़ लें क्या या आप सब पहले ही अच्छी तरह आता है? हाँ देख लो लॉग को कैसे यूज करेंगे केमिस्ट्री में, इसको पढ़ लें क्या? तीन चार जगह पे यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा आपका, आयनिक में यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा। हाँ ठीक है सर, बच्चों को प्रॉब्लम होती है करते सर। लॉग एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग दोनों। हाँ इसको देख लेते हैं फिर पहले। हाँ, है ना, लॉग एंटी लॉग पढ़ लेते। देखो बच्चों क्या है कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आपको मिलनी तो है नहीं, ना वहाँ मांगने जा रहे हो, उसमें तो हो जाएगा टाइम वेस्ट। तुम्हें तो वहाँ पर अप्रोक्स वैल्यूज याद होनी चाहिए, फटाफट क्विकली आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एंटी लॉग निकाला, लॉग निकाला, फटाफट निकलने चाहिए। इसके लिए आपको केवल 4 और 5 वैल्यूज याद करनी, उससे पूरा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझने की ज़रूरत है, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पूछते रहना, कपिल सर मुझे बताते रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है ना, बस ये ध्यान से समझना है। अब लॉग वन की वैल्यू क्या होती है? 0। लॉग टू ये याद रखना है, जो याद रखना है वो बता देता हूं, ये तो 0 है ही। लॉग थ्री याद करना है, 0.477। लॉग फोर नहीं याद करना है। लॉग फोर कैसे आ जाएगा? 2 का 2 लॉग 2 आ जाएगा, तो ये तो हो गया 0.602। एंड लॉग 5 इज 0.699, ये याद करना है। लॉग 6 फिर याद नहीं करना। लॉग 6 क्या हो जाएगा? लॉग 2 × 3, लॉग 2 प्लस लॉग 3, लॉग 2 प्लस लॉग 3, तो ये आ जाएगा 0.778। बिल्कुल। लॉग 7 याद करना है, 0.84। लॉग 8 फिर याद नहीं करना, 2 का क्यूब 3 × log 2, हाँ 3 × log 2, 0.903। लॉग 9 याद नहीं करना, 2 × log 3, हाँ तो 0.954। लॉग 10 फिर याद नहीं करना, लॉग 5 प्लस लॉग 2, हाँ लॉग 1 हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर केवल 4 वैल्यूज ऐसी आई जो याद रखनी। सही बात। अब इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई सा लॉग, सोच के देखो सर, ये मार्कर चेंज कर लीजिए। हाँ ये चेंज कर लेता हूँ। कोई सा लॉग, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, पानी चाहिए, मैं ला लूँ। ये ले लूँ, ये कैसी? हाँ ये ठीक है, पर मैं ले आता हूँ। एक मिनट रुको। थोड़ा गर्म पानी चाहिए सर? मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, अभी तो ऐसे ही चल जाएगा। देखिए लॉग, कोई सी वैल्यू सोच के देखिए लॉग। मान लो तुम्हें चाहिए 2.5, मुझे लॉग चाहिए, तो लॉग 2.5 इसके और इसके बीच में होगा। देखिए यहां अप्रोक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहां बिल्कुल ऐसा नहीं कि मुझे एक्यूरेट 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक चाहिए, अप्रोक्स तुम्हें बस निकालना आना चाहिए। लॉग 2.5 चाहिए तो इन दोनों के बीच में होगा, तो करीब कितना हो गया, 0.4 के आसपास। तो लॉग 2.5 तो एक आसान सा वैसे भी निकल जाता है, इसे मैं क्या कर सकता था, लॉग 25 × 10⁻¹ कर देता, ये तो आता है ना लॉग का, और इसे लिखता लॉग 5² प्लस लॉग 10⁻¹, ये होता 2 log 5 प्लस −1 log 10, ये आता 2 × 0.699, 0.7 मान लेते हैं, तो दिस इज 1.4, log 10 इज 1, तो ये वैल्यू 0.4 आ गई, नहीं आ गई, तो ये तो वैसे भी निकल जाती।
अब यहां पर आपको और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि लॉग अगर मान लो तुमसे कहा गया कि 456.2 का निकालो, ये कह दिया गया, तो तुम्हें क्या करना है कि कोई भी डिजिट आपको दे रखी है, कोई भी डिजिट आपको दे रखी है, आपको इस डिजिट, इस पॉइंट को समझना, इस पॉइंट को पहले डिजिट के बाद ले आओ, कितनी वैल्यू मुझे खिसकाना पड़ा, दो वैल्यू तो 2 पॉइंट तो लिख लो, ऐसे 2 आगे जितना भी खिसकाना पड़ा 2 पॉइंट। अब मुझे बेसिकली देखना है लॉग 4.56 का, आगे का 2 छोड़ देते हैं, 4.56 का इसके बीच में आएगा और इसके बीच में करीब करीब 2.65 आ जाएगा, 2.65 आ जाएगा। ग्रीन टी बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। यहां पर अभी हम बात कर रहे थे, एक लॉग निकाला था 4.56.2 का, ठीक है, तो उसमें जितने भी मैंने पॉइंट इधर खिसका दिए, एक डिजिट के बाद लाया, ठीक है, दो नंबर खिसकाए तो आगे 2 लिख लिया, ठीक है, पॉइंट लगाया, 4.56 का मुझे देखना है, तो 4.56 का इन बिटवीन 4 और 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, तो ये 0.65 आ जाएगा, 0.6 और 0.7 मान लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.65। सर तो इसका मतलब इनको एग्जाम में घुसते ही बस एक पेज के ऊपर ये लिख लेना चाहिए, वो आंसर शीट मिल जाती है ना, उसमें जल्दी से लिख लिया, ये लिख लिया, अपने आप काम होना शुरू हो गया। एंटी लॉक के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, अभी मैं एंटी लॉक पे आ रहा हूँ, पॉजिटिव के और नेगेटिव के तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि मुझे करना कैसे है। अगर कितने भी पॉइंट के बाद लगा दो पॉइंट, एक सरकाना शुरू करो, एक डिजिट के बाद जैसे ही आओगे जितने पॉइंट, जितनी डिजिट सरकाई है वो आगे लिख दो, पॉइंट वो लिख दो, इस वजह से हो रहा है कि वो 10^2 हाँ, वो मैंने पहले समझा दिया कि 2.5 का कैसे निकाला, 25 × 10 किया -1 और कैसे मैंने इसको करा, और इससे भी समझाया कि 2.5 इन दोनों के बीच में आएगा, रख दो, इन्हें दो क्वेश्चन दे दीजिए और इनसे कहिए कि जल्दी से बताएं। चलो हाँ सर, बच्चों दो क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से बताना। लॉग मैं अभी बता सकता हूँ 3725.5 तो लॉग तो 3.7 बिल्कुल सही है, 5 पे लेके 5.2 6 7 कहाँ पे जाऊँ, 7 के ऊपर चले जाता हूँ सर, दूसरे का आंसर 3.7 के आसपास लेके आ रहा हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, 7273 ऐसा करके आएगा, 3.5 3.7 वेरी गुड, निकाल दिया बच्चों ने, निकाल दिया ना 3 पॉइंट। देखो बेटा ये पॉइंट को मैंने 1 2 3 यहां तक लेके आया तो मिल गया 3 मिल गया, पॉइंट 3.7 देखो बस, अब कुछ मत देखो, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, 3.7 इसके बीच में और 4 की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 के आसपास आ जाएगा। बच्चों पार्टी हो गई, जो लोग आज लाइव सेशन अटेंड नहीं कर रहे ना उनका वो तो गए और इधर जब आए तो 1 2 3 यहां तक पहुंचे, हाँ। अब ये 3 पॉइंट लिखा, हाँ। अब 5.2 बस इससे थोड़ा सा ज्यादा है, हाँ। तो 7.2 कर दो बस, हाँ, बस काम खत्म, ये लो हैप्पी बर्थडे, आ गया समझे भाई लोगों, ये तो लॉक की बात हुई यार, हर्ष ऐसे मत बोलो, बाद में देख लेना, टाइम वेस्ट हो गया यार ऐसे तो, अब ये समझे आगे आगे बढ़ रहे हैं, मासूम जी समझे आ गया, नंदिनी गुप्ता, गिरजा शंकर शर्मा, ऋषिता सिंह, कोमल समझे आ गया ना, गलती नहीं करोगे आप, आज आपका लॉक का भूत खत्म, अब एंटी लॉक का भूत खत्म करते हैं, आगे आगे बढ़ जाए, हाँ आगे की 2-3 डिजिट छोड़ दो, बस एक डिजिट की बात करा करो,
है ना, ये अप्रोक्स निकाल रहे हैं यहाँ, वहां हमें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कोई कैलकुलेट करना, वहां अल्टरनेट में इतना डिफरेंस होता है। मैं इनसे ये भी बोलूंगा जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं ना, इसको 0.3 मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं, 0.48 या 0.5 भी मान लो, 0.48, 0.6, 0.7, 0.78, 0.8 मान लूंगा, 0.9, 0.95 या 1 तो ये हो गया लॉक टाइम। बिल्कुल सही है सर, इसी तरीके से आएगा। एप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ एप्रोक्सीमेशन से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो, अब एंटी लॉक पे आते हैं और ये थोड़ा समझ लेना बहुत अच्छे से। एंटी लॉक मान लो तुम्हें पॉजिटिव की कोई वैल्यू दे रखी है, 4.5 दे रखा है, सपोज करो 4.5 के निकालना है, तो 4.5 में पॉइंट के आगे जो नंबर रखा हुआ है, पॉइंट के आगे जो नंबर है, तो ये तो आप लिख दीजिए 10 की पावर 4। पॉइंट के आगे 2, 3, 4 कुछ भी रखा है उसे तो लिख दो 10 की पावर 4। अब बचती है 0.5 की बात, 0.5 यहां पर ढूंढो कहां पर है। देखो 0.3 का एंटीलॉग 2 होता है, उल्टा चलना है, इसमें ढूंढो 0.5, इससे थोड़ा सा ज्यादा है ना, और 0.6 से तो काफी कम है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा कम मतलब वो 3.2 के आसपास आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 3.2 × 10 की पावर 4, दिस इज द आंसर। अरे ये बात समझ में आई कि आगे पॉइंट के जो भी रखा हुआ है उसे तो आपने 10 की पावर 4 रख दिया, और उसके बाद इस 0.5 को देखा, 0.5 कहां पर आ रहा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा, और इससे तो काफी कम है, तो ये अप्रोक्स देखो 3.2 के आसपास आ जाए। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव वाली वैल्यू में, और एंटी लॉग अगर माइनस 4 पॉइंट मान लो तुम्हें दे रखा है 4.3, माइनस 4.3 है। अब माइनस में कैसे करोगे, माइनस में तुम ऐसे नहीं कर सकते, माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस 4 माइनस 0.3 इसे प्लस बनाना है, इसमें मुझे करना है प्लस वन माइनस वन। ये सर एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सर मैं भी सीख जाऊंगा, हाँ हाँ थोड़ा सा एक बार रिपीट कर रहा हूं। एंटी लॉग मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू का निकालना है, 4.5 का निकालना है, या 5.2 रखा है, कुछ भी रखा है, पॉइंट के आगे जो भी होल नंबर है उसे तो 10 की पावर 4 कर दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 0.5 बचा, आप इसमें उल्टा चलना है, 0.3 का एंटी लॉग 2 होता है, ठीक है, इसमें 0.5 ढूंढो कहां पर, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, इससे तो काफी कम होगा, तो वो 3.2 की वैल्यू आ गई, तो इसका आंसर हो गया 3.2 × 10 की पावर 4। सर इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं यदि मैं इसको लिखूं तो ये 32000 है, हाँ तो इसका यही 4.5 है, मैं इसका लॉग निकालूंगा, गुड गुड गुड, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट और 3.2 का 0.5 आ जाएगा, 0.5 यही है ना ऊपर, यही आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, उल्टा ही है, उल्टा ही है, इसी लाइन की लॉग है भाई। सर कौन से सवालों में यूज होता है ये वाला, ये सारे इक्विलिब्रियम में, सारा थर्मोडायनेमिक्स पे यूज होगा, एंटी लॉक पूरे इक्विलिब्रियम में, हाँ पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आई एन दे दिया, एच आई एन की वैल्यू दे दी, पीएच निकलवाई, ठीक है, तो आपको एंटी लॉग लेके निकालना, समझ गया, तो एंटी लॉग थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम इन दो चैप्टर में तो भर के, ठीक है, एक सवाल और दे दीजिए। अब ये निगेटिव वाला पहले, माइनस 4 पॉइंट, पहले निगेटिव वाले पे आते हैं, अगर निगेटिव में है तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसे पॉजिटिव बनाना, ठीक है, तो इसे स्प्लिट कर दो, माइनस 4 माइनस 0.3, अब इसमें प्लस 1 और माइनस 1 रख दिया, माइनस का जो होल नंबर है माइनस 4 एंड माइनस 1 इसे कर दिया 10 की पावर माइनस 5। अच्छा, जो पॉजिटिव वाला था होल नंबर वो पॉजिटिव पावर में चला गया, निगेटिव वाला होल नंबर निगेटिव वाली पावर में चला जाएगा, और इसमें से अब इसे घटाओ तो 0.7 आया, 0.7 का एंटीलॉग देखना है वो 5 है, तो इसका आंसर हो गया 5 × 10 की पावर माइनस 5। समझ गए, अब इसका आप वही करोगे ना, लॉग निकालोगे तो वो यही वाली वैल्यू आ जाएगी, लॉग निकाल लेते हैं सर इसका, बहुत ही सिंपल है, इसका लॉग निकाला तो दिस इज लॉग 5 प्लस माइनस
प्लस 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 लॉग 10 की पावर माइनस 5, बिल्कुल सही, 0.7 रख देते हैं, माइनस 5 लॉग 10, 5 लॉग 10 तो लॉग 1 है, तो ये माइनस 5 और लॉग 5 है 0.7, 0.7 तो माइनस 4.3, बहुत बढ़िया, ये आ गया, ये आ गया। तो अब इसमें बताओ कहां पर दिक्कत है, अब मैं दो क्वेश्चन दे दूं तो ये कर लेंगे, दो क्वेश्चन दे दे भाई लोगो, दे या नहीं दे, घबराए हुए सर, बिल्कुल दे ना, ये काहे में घबरा रहे हैं, इन लोगों को हमें ना तैयार करना है, बिल्कुल बढ़िया, अब तो इन्हें बिल्कुल दनादन निकालेंगे ये। एंटी लॉग 2.84, एंटी लॉग माइनस का 4.25, अरे कर रहा है सर, 2.84 को वो रख दूंगा, हाँ 10^2 रख दूंगा, हाँ, और 0.84 का देख लेंगे, और 0.84 का देख लेंगे, 0.84 का है, अरे सर पूरा सात ही है, सात है, 7×10^2 पावर 2, बहुत बढ़िया, 700, लेकिन आपने क्यों बता दिया बच्चे कर रहे हैं, अब सर मैं सिखाऊं तो मुझे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सिद्धार्थ शेखर 600 नहीं है 700 यार, ऐसे मत कर मेरे भाई, ऐसे मत कर यार, 600 नहीं है 700 है, अच्छा माइनस 4.25 नहीं सर, अच्छा भाई इसमें खेल है, तो आपने कहा चलिए ने कर ले लीजिए, आप लोग कर लो यार, मैं नहीं कर रहा, ये क्या हुआ, 5×10^-5 बोल रहे हैं बच्चे, 5×10^-5 गलत है, गलत है, कपिल सर आप करो, सर मुझे आपका तरीका मुझे याद करना पड़ेगा, माइनस तो माइनस 4.25 इसको आपने किया माइनस कर दिया, माइनस 0.25 माइनस 1 प्लस 1, गुड ठीक है, तो आपने ये किया था कि इसको इधर ले आया तो माइनस 5, तो ये बन गया 10^-5 और आपने और किया था 0.75 का एंटी लॉग, का एंटी लॉग तो 0.75 5.8 5.8 5.8 × 10^-5, ये दिस इज द राइट आंसर, ये देखिए किसका, अब सर मैंने भी आपके साथ ही सीखा है सर, 5.8 × 10^-5 काल है कलेन, आप महान हैं, मोहम्मद सकलेन है क्या, नहीं काल है कलेन ने किया है, और किसने कर दिया, काफी लोगों ने किया, अप्रोक्स आ जा, हां चल जाएगा, चल जाएगा 7 तक भी चलेगा भाई लोगों, अपर्णा लोहा बहुत बढ़िया, आप महान हैं, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई लोगों, अब डर खत्म, लॉग एंटी लॉग, हैप्पी बर्थडे विजय निषाद यार, ऐसे मत लिखो, 10^-5 लिखना सीखो, ये पॉइंट के बाद 0 0 0 लगाओगे ना बीच में खो जाओगे, वो तो होगा ही नहीं ना, 10^-5 कहां से बना, जीरो पॉइंट जीरो जीरो से वो गलत नहीं है, पर जीरो मत लगाओ यार, हटा दूं, हाँ सर, बच्चों ये जो सर ने लॉग बनाए ना, लॉग 1 लॉग 2 वगैरह, ये एग्जाम में जाते ही सबसे पहले लिख लेना, और इनके बीच में भूले ना, एग्जाम के बीच में याद आने चीजें बंद हो जाती हैं, तो सबसे पहले लिख लेना इसे,